मित्रों फिर क्या हालचाल। अरे हालचाल छोड़ो, दूल्हा बोलता है कि शादी वादी गई तेल लेने, शादी वादी होती रहेगी, सबसे पहले रेस्ट की जाए। और दूल्हा मंडप में ही टेढ़ा हो रखा है। इधर दुल्हन की तरफ देखो, कैसे देख रही है कि कैसा मेरा बड़वा दूल्हा है, इसको शादी भी करने का नहीं पता, कैसे मंडप में ही टेढ़ा हो गया सो गया। अरे दुल्हन तेरा पति यहाँ पर मंडप में ही टेढ़ा हो गया, तो आगे कहाँ कहाँ टेढ़ा होगा तू सोच ही सकती है। यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन डांस कर रहे थे, तब यार दूल्हे की दादी आती है, बोलते हैं कि अबे छोड़, तुम्हें डांस नहीं करना आता, ऐसे करते हैं डांस, मैं बताती हूँ कि कैसे करना है डांस। देखा दादी उतार रही है कि ऐसे करो डांस, दादी खुद ही दूल्हे के साथ डांस करने लगे कि ऐसे करो दूल्हा और दुल्हन, ऐसे करो, ऐसे किया जाता है डांस। अरे दादी तुमको इतना एक्सपीरियंस कैसे है, क्या मतलब तुमने डांस की एकेडमी में काम किया है, क्योंकि तुम्हें इतनी नॉलेज है। यहाँ पर भी दूल्हा और दुल्हन को डांस करना नहीं आ रहा था, तभी दूल्हे के दो दोस्त आ जाते हैं, बोलते हैं कि टेंशन मत लो, हम बताते हैं कि कैसे करना है डांस। और देखकर साथ साथ में डांस कर रहे हैं दोनों, और बता रहे हैं कि दूल्हा और दुल्हन ऐसे ऐसे डांस करो, और दूल्हा और दुल्हन भी ठीक वैसे ही लगे हुए हैं। बेचारे दूल्हे को कुछ नहीं आता, वो अपने दोस्तों को देखकर दुल्हन को नचा रहा है। अरे दूल्हे हर जगह दोस्तों की हेल्प नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा बहुत खुद को भी आना चाहिए, मतलब कि दोस्तों डांस वगैरह की ही बात कर रहा हूँ। और तभी दोस्त ने दोस्त को उठाकर घुमा दिया, लेकिन दूल्हे ने दुल्हन को उठाकर नहीं घुमाया। दूल्हा बोल रहा होगा कि वैसे ही इज्जत का कचरा हो रहा है, अगर दुल्हन भी मुझसे सबके सामने नहीं उठाई गई तो मेरी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। ये दूल्हा दुल्हन को स्टेज के ऊपर ला रहा था, लेकिन दुल्हन से नहीं चढ़ा जा रहा, असल में उसका लहंगा बहुत ही बड़ा और भारी था, लेकिन उसकी सहेलियाँ भी उसकी हेल्प नहीं कर रही। फिर क्या था, दूल्हे ने ही संभाली कमान और दुल्हन को उठा लिया और उठाकर स्टेज के ऊपर ले आया। इसलिए आप लोग भी फॉलो और सब्सक्राइब बटन को उठाकर भाग जाओ, ताकि नई वीडियो आपको डेली मिल जाया करे। यहाँ पर देखो ये आंटी भी एक शादी में आ रखी थी, यानी कि डांसर थी, बहुत ही बढ़िया, यानी कि सांस्कृतिक डांस कर रही है, सर के ऊपर पानी का भरा हुआ घड़ा है। एक अंकल के पास आती है और करने लगती है डांस, बेचारे अंकल को वहीं पर आंटी ने पानी पानी कर दिया, यानी कि पानी पानी गिरा दिया अंकल जी के ऊपर। अरे आंटी क्या मिला ये सब करके, हाँ अंकल जी को कर दिया ना तुमने पानी पानी, बेचारे को गीला गीला कर दिया। ये देखो ये कैसा डांस है मित्रों, चार पाई वाला डांस है, इनका मतलब कि कपड़े वगैरह देखकर लगता है कि पाकिस्तान में हो रहा है ये डांस। चार पाई में घुसाई मुंडी और घुमाने लगा गोल गोल, और धीरे धीरे इसने यार स्पीड पकड़ ली, बिल्कुल किसी लट्टू की तरह, देखो यार गोल गोल घुमा रहा है। अबे अंकल तुमको मुंडी प्यारी नहीं है, तुमको डर नहीं लगता कि तुम्हारी मुंडी झटक जाएगी, तुम्हारी मुंडी की ऐसी की तैसी हो जाएगी, लेकिन अंकल तो आज खतरों का खिलाड़ी बना हुआ है, लगता है कि सामने कोई आंटी है जिसको कि अंकल इम्प्रेस करना चाहता है। यहाँ पर डेकोरेशन देखो मित्रों, घर की नहीं दुल्हन की डेकोरेशन कर रखी है, दुल्हन को मेकअप वगैरह लगाकर गोरा कर रखा है और फूल वूल लगा रखे हैं अच्छे तरीके से। सच बताऊँ तो ये दुल्हन दुल्हन कम और गुलदस्ता ज़्यादा लग रही है। ये कैसा डांस कर रहा है दूल्हा, अरे दूल्हे क्या कर रहा है तू अपनी शादी में। दुल्हन भी यही बोल रही होगी कि ये मैंने किस बड़वे से शादी कर ली। बाकी दूल्हे ने अपनी ओर से कोशिश पूरी की, लेकिन कुछ ज़्यादा ही कोशिश कर डाली। इस अंकल को देखो, इसका डांस देखो, फ्रॉक पहनकर आ गया और करने लगा डांस खेतों में आकर के, और एक अंकल के साथ देखो कैसी हरकतें चल रही है। अरे ताऊ स्कर्ट में कीड़ा घुस जाएगा, अगर पीछे खेतों में कोई सांप वगैरह हुआ ना, सीधा आकर तुम्हारी स्कर्ट में घुस जाएगा और फिर भागता फिरेगा तो इधर उधर, इसलिए ऐसी हरकतें करना बंद कर दे। लेकिन मित्रों आप लोग फॉलो और सब्सक्राइब करना बंद मत करो, क्योंकि डेली शाम 4-5 बजे मैं आपको नई वीडियो दे दिया करूँगा। हंसते रहा करो।